कोरोना का असर देखो, बीएचयू एकदम खाली है, खाली। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, स्वागत करता हूं आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं बीएचयू कुछ काम से, तो मैंने सोचा क्यों ना अगर बीएचयू जा रहे हैं तो एक वीडियो आपको बनाऊं और दिखाऊं कि इस समय बनारस कैसा दिख रहा है आपको, यानी वाराणसी शहर कैसा दिख रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करीब लॉकडाउन की वजह से 3 से 4 महीने के बाद ये मैं जाऊँगा, तो काफ़ी अच्छा होगा ये वीडियो। वीडियो देखना काफ़ी मज़ा आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नए मेहमान है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो एंजॉय करते हैं इस बनारस शहर को, यानी वाराणसी शहर को, और देखते हैं इस समय कैसा है। अभी हम है पांडेपुर। 4-5 महीने की मैं बात करूँ तो लॉकडाउन जब से लगा तब से बीएचयू की तरफ नहीं गया हूँ, यानी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ। अभी ये जो रोड है सीधे निकालता है आपको चौकाघाट की तरफ, और चौकाघाट से आगे हम लोग निकलेंगे। और समय की मैं बात करूँ तो 9:44 हो रहा है। और बनारस शहर की मैं बात करूँ तो भाई साहब कोरोना बहुत तगड़े से फैल रहा है। हर एक इंसान सोच रहा है हमें कोरोना नहीं होगा, इसीलिए वो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं बहुत सारे लोग, इसीलिए लोग फैल भी रहा है कोरोना तेजी से। बनारस की ये हाल है कि 50-60 मरीज रोज मिल रहे हैं कोरोना के। भाई बचकर रहो, चौका घाट आने वाले हैं और यहाँ से लौरावीर 2 किलोमीटर, राजघाट 6.5 किलोमीटर, मुगल सराय 16 किलोमीटर। साफ सफाई देखो, सुबह सुबह हो रही है, मेरे सफाई कर्मी भाई काम कर रहे हैं, तो सफाई फाई तो होती है रोड की रोज, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए देख रहे हो ना रोड कितना अच्छा दिख रही है, और मौसम एकदम साफ है। मौसम साफ होता है तो राइडिंग वाइडिंग करने का तो मज़ा उतना नहीं आता है, थोड़ा सा बदली रहता है तो मज़ा आता है। जो बादल उदल छाए रहते हैं, हल्का हल्का अगर पानी पड़ रहा है तो और मज़ा देता है। तो वहाँ पर देखो एक नोटिस बोर्ड है, आगे चेकिंग चल रही है। और बीएचयू 3-4 महीने हो गए लॉकडाउन के पहले का मैं गया हूँ, और अभी ये देखो इधर से सीधे जा रहा हूँ मैं, लौरावीर से होते हुए दाल मंडी होते हुए निकलूँगा। और फ़ायदा ये है कि इधर से शॉर्टकट भी है, दूसरी चीज़ की एक दो काम बीच में और हैं, और रोज़ रोज़ तो निकलूँगा नहीं। और 9:50 हो गया भाई साहब, समय बड़ा तेज़ निकल रहा है। चो ई रिक्शा, ये देखो पेंटिंग है। बनारस शहर का एंजॉय करो, एंजॉय। ये देखो ऐसे रोडे वोडे मिलती हैं आपको इस समय, थोड़ा सा उधर जाम मिल रहा था लेकिन इधर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, और यहाँ पर देखो काशी विश्वनाथ मंदिर दो हैं, ठीक है, बनारस में एक नया एक पुराना है। पुराना वाला तो सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, नया वाला एक बीएचयू में, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे भेज जाता है सीधे। दाल मंडी, नई सड़क, मैदागिन, चलो 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 चलो, वाह बनारस शहर, वाह बनारस शहर। यहाँ देखो बुलेट की सर्विसिंग होती है एक लाइन से, अब सर्विसिंग अच्छी होती तभी तो इधर लाइन लगी रहती है। तो बनारस शहर घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, वाराणसी शहर अपना। लेकिन आप कभी भी निकलिए तो मास्क वास्क लगा के निकलिए, नहीं तो चालान भी एकदम चौचक हो रहा है, चौचक चलान वलान हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी। और मास्क लगाने से 2-3 फायदे हैं। पहले तो वायु जो प्रदूषण है आपके नाक में नहीं जाएगा सांस लेते वक्त, उसके बाद कोरोना वायरस भी नहीं जाएगा, और आपका चलान भी बच जाएगा। मतलब 3-4 बेनिफिट्स हैं मास्क लगाने से। ये लौरावीर चौराहा है भाई, क्या एक्सीडेंट कराओगे क्या यार? दागिन जाना तो यहाँ से ले लो लेफ्ट, अभी ये देखो तो सीधे जाएगा दाल मंडी से होते हुए निकालेगा आपको गिरजाघर। चलो भैया, थाना चेतगंज ब्लड बैंक, देखो ये ब्लड बैंक है, यहाँ पर आके अपना ब्लड डोनेट करो भाई साहब,
आप लोग घर बैठे बैठे बस लॉकडाउन में खा पी एकदम शरीर बना रहे, तो कम से कम ब्लड तो डोनेट कर दो। हमने तो अभी किया हूँ, मेरा 6 महीने जैसे ही कंप्लीट होगा मैं फिर से जाके ब्लड डोनेट करूँगा। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये देखो मार्केट, दाल मंडी मार्केट की मैं बात करूँ, दाल मंडी मार्केट ओपन हो चुका है, लेकिन सावधानी से आपको निकलना है मार्केट में। और वही रूल जो सबके लिए है वो रूल अभी भी लगा हुआ है, एक साइड दुकान खुली है, एक साइड बंद है। वाव भैया बनारस सर, ये देखो पूरी सब्जी मंडी है एक तरह से। इधर ये आपको मिल जाएगा चेतगंज थाने से थोड़ा आगे जाएंगे तब पूरी मार्केट है, होलसेल मार्केट नहीं मतलब मार्केट एक तरह का है। चलो भैया चलो, 10 बजे का समय है और सड़कें एकदम खाली हैं, राइड करने में मज़ा है लेकिन थोड़ा धूप के कारण मज़ा बिखर रही है। जो भी लोग मास्क नहीं लगा रहे सीधे चालान उनका कट रहा है, अगर बाइक पे हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो भी चालान कट रहा है। और थोड़ा प्रशासन इस बार बहुत सख्त है, देखो यहाँ दाल मंडी शुरू हो जाती है मार्केट पूरी, और अभी तो स्टार्टिंग है, सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं और आगे से भी एंट्री कर सकते हैं मार्केट के लिए। तो ये दाल मंडी मार्केट, तो मार्केट दाल मंडी मार्केट में तो जाना नहीं है, लेकिन यहाँ से हम सीधे निकलेंगे कहाँ के लिए, BHU के लिए, और हो सकेगा तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे। देखो सामने गिरजाघर है, उधर चले जाओगे तो दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर जो पुराना वाला, वहाँ पर आपको दर्शन हो जाएगा। और इधर बहुत सारे घाटों पे जा सकते हो, ये एक शॉर्टकट रास्ता है। तो भैया देखो तो ये भेलूपुर चौराहा आ गया है। वाकई में भाई साहब 3 से 4 महीने बाद आने के बाद ये सब बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि किसी भी प्लेस पे अगर आप बहुत दिन बाद जाते हैं तो वो सेम भी रहेगा ना, तो भी वो बदला बदला दिखेगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कैसा लग रहा है बताओ, काफ़ी चेंज हुआ लग रहा है। हो वारे बनारस, वारे बनारस। और इधर देखो इस समय तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा माल वालों को हुआ है, उनका तो सब बिजनेस ही बंद है। ये देखो IP विजया मॉल एकदम बंद पड़ा है, खैर जल्दी से ये सब चीज़ें चालू भी नहीं होंगी कोरोना की वजह से। और इधर तो रोड भाई नंबर 1 है, उधर भी नंबर 1 था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ था। और BHU के लिए सीधे हमको अब यहाँ से कहीं भी मोड़ना उड़ा नहीं, बस सीधे जाने हैं, बस सीधे जाओ, चलते जाओ चलते जाओ। वाराणसी सिटी राइट, ये सब बंद हो गया है, जो ये सब रेड लाइट था ये सब बंद हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा है। सिग्नल जो हुआ करता था वो तो अभी बंद है, पता नहीं इधर बनता है, इधर देखते हैं क्या होता है, चलता है कि नहीं चलता है। हाँ आगे है, आगे चालू है। इधर भी तो पानी बहुत पड़े थे जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए थे, मतलब रोज पानी पड़ रहा था तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, भाई क्या होगा यार एकदम रोज रोज पानी। लेकिन अभी इधर 2 दिन से शांत है, अच्छी बात है, कल पानी नहीं पड़ा आज नहीं पड़ा। और ये देखो इसे नाला हम कह सकते हैं, पूरे नीचे नाला बहता है। BHU बहुत ही नज़दीक हम आ चुके हैं, और अपना काम करने के बाद चलेंगे टेंपल, कहाँ पर, काशी विश्वनाथ टेंपल BHU। ओह
ये तो एक ऐसा प्लेस है ना, यहाँ पर हर समय आपको भीड़ भाड़ दिखेगी। अभी देखो सुबह का समय, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने सब्जी फल सब चीज़ें यहाँ पर मिलती है। एक तरफ से लाइन से यहाँ पर लगे हैं, ये शॉप देख सकते हो। और ये शाम के वक्त और भी ज़्यादा भीड़ होती है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये कंजस्टेड इलाका है शॉप के लिए, बाहर खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर रेड सिग्नल हो गया है और अभी जाना है ब्रिजभूषण सर जी के यहाँ, कुछ काम उनसे भी है, मिलते हैं, बात करते हैं, फिर निकलेंगे। अभी देखो सामने आपको दिख जाएगा काशी हिंदू यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, वहाँ पर है ये गेट है, गेट काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। तो गेट खुलेगा तब जाएंगे गेट के अंदर। ओ गेट बंद है, गेट बंद है, लेकिन बाइक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गेट है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, चलते हैं अंदर। अरे वाह, एकदम खाली, BHU, क्या बात है, एकदम BHU खाली है भाई, देखो भीड़ भाड़ है ही नहीं। ये है कोरोना का असर, कोरोना का असर, देखो BHU एकदम खाली है, खाली। मतलब रोड पे भीड़ भाड़ नहीं, एकदम सन्नाटा, क्या बात है, नाइस। BHU के अंदर इतना हमने कभी सन्नाटा नहीं दिखा था। ओहो बंद है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो BHU के अंदर काशी विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। हमें तो लग रहा है कि बंद होगा, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। ये देखो पीछे का है द्वार, ये तो बैक साइड पीछे का है, आगे चलते हैं। वैसे बंद होगा, ओहो पूरी कोरोना वायरस की वजह से। देखो सब शांति 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 शांति, इतना BHU में शांति नहीं था। तो भाई लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल जो नया वाला है BHU के अंदर, वहाँ पर हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बंद है। क्या है? बंद है, बंद है पूरा, देखो। कब तक खुलेगा ये, कुछ है अंदाजा? अभी तो कोई, हाँ पूरा बंदी, पूरा बंदी। ओहो पूरा बंद है, जय बाबा विश्वनाथ। और यहाँ से देख लो मंदिर बंद है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब बंद किया गया है, तो आने जाने में प्रतिबंध है। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन एकदम सन्नाटा है। तो ये है काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बंद है, तो क्या करें, बस बनारस देख ही लिए कैसा है इस समय, सब एकदम हर जगह चहल पहल है, लेकिन अभी मंदिर वंदिर सब बंद है। तो कोई भी अगर मंदिर के लिए अगर आना चाहता है BHU के अंदर, तो मत आए, और वहाँ पर भी बंद है। तो चारों तरफ जितने भी मंदिर हैं या टूरिस्ट प्लेस हैं, सब बनारस में बंद है। कृपया करके न आएँ, अभी जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहें, घर में रहें। और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो यहीं पर एंड करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए मेहमान हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, तो बेल आइकन दबाना तो ऑल नोटिफिकेशन कर देना। तो यह BHU एकदम सन्नाटा, खाली खाली लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, बस खाली खाली, चारों तरफ कोई भी नहीं दिख रहा है, एक आध दो ठो बाइक वाले दिख रहे हैं बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।